ते हतो मैं करानी है बिल्ली पैगी भाई बिल्ली पैगी जी सर जी बर्तन बोल रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करते हो आप भी ठीक होंगे जी। तो ये खुदम के प्याज कटते हुए देख लीजिए आप, माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? देखे जी, हमारी मैडम ने हमें प्याज काटने पे लगाया हुआ है। मैंने कहा मिलजुल के ही होगा ना काम, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो जल्दी जल्दी काटे खुदम, जल्दी 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 जल्दी। अम्मा जी भी आ गई हैं, भाभी भी आ गई हैं, तो सब मिल के अब काम करते हैं, चावल बनाते हैं अब। वालेकुम अस्सलाम जी, आ गए आ गए जी। अल्लाह का शुक्र है, कदम इस पाक ज़ात का। बोलू क्या कर रहे जी? तो खुदम की स्पीड चेक कर लिए सब बहन भाइयों ने, ये देखो। वालेकुम अस्सलाम अम्मा जी, आ जाओ। हाँ तो अल्लाह ले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों जी। तो ये देखे प्याज खुदम काट रहे थे, जल्दी जल्दी नहीं कट रहे थे इनसे। मैंने भी ले ली, मैंने कहा इन्होंने इतने मोटे मोटे डकरे काट दिए। ये चावलों में नहीं पता चलता, ब्राउन हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो ये जी हमारे चावल, ये हैं चावल, 5 किलो चावल हैं। ते नाल आई बैठी है मेरी माँ। माँ जी, माँ जी की हाल है? ठीक है पुत्र, तू सुनाओ? ठीक ठाक हो? हां जी करामा। हां जी अम्मा, इतने साडे कोई बड़ा है नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਮੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆ ਮਾਨੋ ਵੀ ਆਈ ਫਿਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਛੁੱਟੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਹੈ। देखिए जी, पूरी रेसिपी हमारी मैडम ने यहाँ रख ली। हाँ जी, मैंने खानी है ना। मैं प्याज जो उनसे, क्योंकि प्याज मैं नहीं खाती होती, चावलों पे डाल के खुदम खाते हैं। चावल हो जी, प्याज हो, साथ कुछ भी चीज हो तो कहेंगे साथ कच्चे प्याज हो। मैंने कहा मंडी की ना आड़त खरीदती हूँ, ठेका लेती हूँ मंडी का ना, सबसे मंडी का। तो खरीदने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी जगह है, कहीं भी लाके प्याज उगा देते। अपने सर पे लगा लो। ईमान से प्याज के साथ बहुत बुरी लगोगी तुम। कोई बात नहीं, जो बहन भाई देखते हैं ना उन्हें भी अच्छी लगेगी। सूख गई चाय, सूख गई बर्बाद करती है ने चाय सवेरे सवेरे। चाय लकड़ी गर्म होने के लिए पीछे दूध डाला, मैंने कहा चले चाय पीती हूँ। मुझे नहीं पता मैं आगे बाहर बैठ गई, चावल साफ हम करने लग गए और प्याज काटने लग गए, चाय सूख गई। बस सत्यानाश कर दिया ना ये सुबह। चलो कोई नहीं, मैं फिर भी छोड़ूंगी नहीं, पी लूंगी। ये उबाले हैं मैडम ने चने, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गल चुके हैं। अच्छा, हाँ जी जबरदस्त हो गए। जबरदस्त, वेरी गुड। जली हुई चाय भी नहीं छोड़ी मैंने। देखो कैसी भूखी और नदीदी औरत है। फायदा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहन भाइयों, ये हमने प्याज और घी ऐड कर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। हाँ जी, चावल मैंने भिगो दिए हैं, क्योंकि चावल भिगोने का ज़्यादा टाइम नहीं था, पक्की का चावल था ये। तो फिर मैंने हल्का सा गर्म पानी करके ना इसमें डाल दिया हुआ है। तो मेरे बहन भैया, अगर ज़्यादा टाइम, 2 घंटे का टाइम आपके पास ना हो, तो हल्का सा पानी गर्म करके उसमें तकरीबन 20 मिनट के लिए चावल भिगो लिया करें जी। तो वाह जी वाह, अदरक लहसुन खुदम पीस रहे हैं। हाँ जी खुदम जी जी, पीसा जा रहा है जी जी। यौन मोहम्मद ने भी अपने लिपस्टिक लगा ली है, अंदर से लिपस्टिक उठाई है मेरी। अम्मा जी भी बैठी हुई हैं। हाँ जी, मोहम्मद कहते हैं मेरी मम्मा ने लगाई, मैं भी लगा लूँ। मैं भी लगा लूँ, मैं तो डेली लगाए रखती हूँ, मेरी तो रूटीन है शुरू से, आज से नहीं शुरू से ही। मिलावटी खातून जी 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 कह सकते हैं। और इसका ये मिलावट का सिलसिला होने लगा है शुरू, सब कुछ हो गया शुरू। ये देखिए, ये है मिर्च, ये मिर्च की मिलावट, इसके साथ हल्दी और नमक की मिलावट। ज़रा ये ध्यान रखना कि 2 चम्मच नमक जो है हमने चनों में डाला हुआ था। अच्छा, तो ये हल्दी मैंने कहा याद करा दूँ ना। अच्छा, तुम्हें, तुमने नहीं डाला था, वो मैंने डाला। अच्छा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, ये 3 चम्मच, ये 4 चम्मच, ये 5 चम्मच। चावल कितने हैं? 5 किलो, 1 किलो है चने,
ठीक है। और ये 6 चम्मच, और ये इसकी ग्रेवी। अच्छा, ये हो गया। और अब इसमें क्या? दही 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 घी थोड़ा सा पहले। भाई देखिए ये दही, इमली भी अभी डालनी है और साबुत गरम मसाला भी। और जी ये डाल दिया इन्होंने बिरयानी मसाला, ठीक है। अभी यहाँ से करते हैं रश खत्म। ये एक ही पाता आलू बुखारा है, आलू बुखारा जिन्हों बुखार होया पे, ये तेनू भी बुखार होया पे, आलू बुखारा है वो ऐड किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे ब्राउन हो चुके हैं और ये मिलावट शुरू हो गई। ये मिलावट शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, प्याज बहुत ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने ब्लैक किए हैं। ब्लैक एक ही बुखारी दिया बोटियाँ? नहीं नहीं, वो आलू बुखारा। अच्छा, तो ही पूछ रहे हैं बुखारी दिया बोटियाँ? जी जी, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू, क्या बात है। अजी जायका तो तुम्हारे, टमाटर की जगह मैंने दही ऐड की है क्योंकि टमाटर डालने से ना अगर ज़्यादा चावल बनाए ना वो चावल जुड़ जाए। भैया ये सब्ज मिर्च और क्या कहते हैं इसे टमाटर, मैंने कहा 2-3 डाल लेते टमाटर फिर क्योंकि टेस्ट अच्छा हो जाएगा। क्या बात है मैडम आपकी, क्या बात जी जनाब, आप सही कह रहे हैं, हम तो सही ही कहते हैं हमेशा। आप कभी आपने कभी गलत कह दिए। ये चने भी ऐड कर दिए गए हैं, ये देखें। और ये खाने लगी है? हाँ जी खाने लगी है। कच्चे कच्चे खाएगी? कच्चे खाऊंगी, माफ करिए कच्चे ही खाऊंगी। आपने भी खाने कच्चे? नहीं मैं तो नहीं, मैं तो पके भी खाता हूँ, मैं कच्चा खाता ही। फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा था ना जिस तरह परात में डाल रही है तो मैंने शायद खाने के लिए डाल रही हूँ। जनाब जब पक जाएंगे फिर सारा पतीला आपके आगे रख देंगे। हाय हाय, चावल पक रहे हैं? चावल खाने हैं? वाह जी वाह, माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला बड़ा प्यादा बन के आया हुआ है। तो जी अब सजावल, चावल बन रहे हैं जी। भूख लगी है जी। खाने चावल जी। अच्छा अशना ने भी खाने चावल जी। वाह जी वाह, अशना ने भी चावल खाने हैं है। और क्या, अब बच्चे बड़े खुश हैं? हाँ जी, जी। चावल खाने हैं जी। मानो जी। चावल खाने के लिए आए हो जी। वाह जी वाह, चलो इंतजार करो फिर चावलों का। ठीक हो गया जी। तो अस्सलाम वालेकुम तो किया ही नहीं। हम भी ठीक। क्या डाल रही हूँ? ये सिरका। अच्छा हाँ जी, मैंने को जायके के लिए को पानी छानी डाल रही हूँ? नहीं नहीं, ये चावल टूटते नहीं है इससे। 1 किलो में 1 ढक्कन डालने तो चावल खिला खिला बनता है। तो ये 3, ये 4, बस बस, क्योंकि वो है 5 किलो चावल है ना, इसलिए 5 ढक्कन मैंने ऐड कर दिए। अच्छा भाभी राजदा पर जाई आज चुप का चावल है जी। माशाल्लाह आई साड़ी पर जाई। हाँ साड़े साड़े घर आई पर जाई, लखा खुशियां नाल ले आई, लिया के फिर लिखदा ना पर जाई। ये जी चावल बच्चों को बड़ी देर से ताक है, ये देखें ये बच्चे इंतजार में खड़े हैं कि चावल कब पकेंगे और कब जो है ये खाएंगे। अभी बन जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी चावलों में। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, जितना उठा लेना बस।
ये है जी साबुत गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, और इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च हर चीज़ है, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, जीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगे, तो सब कुछ है, लेकिन तेज पत्ता आज भी नहीं लेके आई। ओह शिट, वो भूल गया है। हाँ जी, और जैफर, जवतनी, बादियान के फूल, सब कुछ, ये तो तोड़ के डालना पड़ेगा। और ये गरम मसाला हो गया है ऐड। पीरो मुर्शिद क्या कर रहे हैं आप? ये पुदीना, पुदीना, पुदीना है, पुदीना ना, ना पुदीना यार, पुदीना। हाँ ठीक है, सही हो गया। हाँ ओके, तो क्या करना है इसका? ये इस खाएंगे। मैं सोचा था क्या शायद चटनी बना दी, साथ प्याज भी काटोगी इसके? मैं कुछ नहीं काटूंगी, कुछ नहीं काटूंगी, मैंने ये काट के ना तो चावलों में डालना। अच्छा, वाह जी वाह, आह वाह 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 वाह, खुशबुएं, लफ्टें इतनी ज़बरदस्त, मैं बता नहीं सकता आपको कि दिल कर रहा है कि कच्चे ही खा जाऊं। मेरा भी दिल करता है। आपको भी दिल करता है जी? खुशबू बहुत प्यारी। मैं। और ये पुदीना भी ऐड कर दिया गया है इसमें, गरम मसाला, पुदीना। पूरे देखते हुए खुद कब्जा किया हुआ? मैंने कब्जा कर लिया। अकेले खाने? नहीं यार, बच्चों को तो देने हैं ना थोड़े। बच्चों को दूंगी लेकिन आपको नहीं दूंगी। चलो मुझे ना देना, मैं तो वैसे ही गरीब फकीर आदमी हूँ, किसी ना किसी बच्चे से मांग टांग कर खा लूंगा मैं। अच्छा हाँ, तो बहन भाई ये बताना मुझे कमेंट्स में, लाजमी क्या हो सकता है क्या खुद हमको खाना ना मिले और ये ना खाए? प्याज कट रहे हैं और जब हम दम लगाएंगे तो प्याज का छिड़काव कर देंगे ऊपर, मजा आ जाएगा जी। डालने लगे हैं प्याज, ये प्याज डल गए, अब हम इन्हें लगाएंगे दम, दम पे। और ये है हमारा कलर, जर्दा रंग। हाँ जी, ये सिर्फ हम थोड़ा सा इसका टच देना है, ज़्यादा नहीं, ये ऐसे। तब हम इसको दम पे लगा देंगे, फूड कलर हमने इसमें डाल दिया। हाँ जी, और इसको अब लगा देंगे ये दम पर, दम पे इसको लगा देंगे। बड़ी मेहनत होती है यार इनमें भी, चावलों में, इनमें जनाब खाना ही आसान है, हर काम मुश्किल है, पकाना जो ना कोई जो ना इतना भी आसान नहीं है। मेहनत से चीज़ बनी हो तो बहुत अच्छी बनती है। अगर हम कहें कि आलू गोभी बन रही है तो उसमें हम दो गिलास पानी के ऐड करते हैं और ये पकते रहेंगे, हम दूसरा काम कर लेते हैं, फिर उसमें उस पर पानी नहीं डालते। सही कह रही है। बच्चे और बच्चों ने चादरें बिछाना शुरू कर दी हैं, और देखिए जी, वाह जी वाह। हाँ जी बच्चों, चादर बिछा ली है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों ने भी शोध किया हुआ, बच्चों, बहन भाई हो, बच्चों कह रही हूँ, बहन भाई हो, बच्चों ने भी शोध इस टाइम किया हुआ। तो जी भाभी रास्ता को भी देंगे चावल, ये तो बात नहीं है, जो बन रहे हैं तो। हाँ जी, वो बिल्ली नाम उनका, बिल्ली। अच्छा मरी, मैं पूछ लेनी उन्हें, मैं कह रही हूँ आपको चावल नहीं देने? बिल्ली जी, बाजी सब बच्चे खा रहे होंगे, आप खा रहे होंगे, मैं खुद आगे से उठा के खाने शुरू कर दूंगी। बस सही हो गया। ऐ जी मेरी बैठी है माँ, ते इदे हथों मैं करानी है बिस्मिल्ला। तो बहन भाइयों, जो माशाल्लाह माशाल्लाह पतीले पे और खराब की चीज पे बड़े ही बैठे हुए अच्छे लगते हैं, हमारे में तो रीत यही हम सब में, तो माशाल्लाह चावल अच्छे बने हैं, देख लीजिए माशाल्लाह।
ਇਹ ਜੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ए बिल्ली, ये बिल्ली चढ़ रही है दीवार के ऊपर, चढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन इसे चढ़ा नहीं जा रहा, इसके नाखून घिस गए हैं। नाखून घिस गए हैं। मैं तो साथ खड़ी थी भाभी के, मैंने कहा चले उनका भी क्लिप बना दूं और प्लेटें भी तो उतरवा लूं भाभी से कह के। है जी माशाल्लाह काम शुरू करता मेरी माँ ने बिस्मिल्लाह दी बरकत दे नाल। या रब्बुल इज्जत इस खदात को कबूल फरमाना, इस खैर खैरात को कबूल फरमाना जी। तो पहले बहन भाई, ये आज अब मैं बता रहा हूँ कि ये खैरात किसकी तरफ से है। ये हमारी, ये एक है। बहुत प्यारी सिस्टर है हमारी, जिसके बारे में बताएंगे आपको बहन भाइयों। ये दावत जिन सिस्टर अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए, देखे खैरात चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख रुपए की हो, कबूल फरमाने वाले अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला उनकी ये खैरात कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला उन सिस्टर को क्या, सब सिस्टरों को, सब बहन भाइयों को अल्लाह ताला रिज़्क में बरकत अता फरमाए, और जितने भी बहन भाई दुखी हैं अल्लाह ताला सब की दिली मुरादें पूरी करे, उन्हें दुखों से निजात हासिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। बिल्ली पैगी भाई, बिल्ली पैगी, माशाल्लाह। ये चावल हम खा रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जिस बहन भाई ने खाना है आ जाए हमारे साथ मिलके चावल खाए, बच्चे भी खा रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, आ जाए इधर आ जाओ। तो इतनी जगह जो मैंने ही खेल ली हुई है, बच्चा ना बैठे, चलो कोई बात नहीं, वो तो आपसे कुत्तों से बात ही बैठे। देख लो बिल्ली ने सुना नहीं, मैं मांगने वाली औरत कहाँ जा रही है आज, मांग नहीं रही और देने जा रही। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी, वो असल में मैंने आपके हाथ में देखी नहीं, कैमरे में देख रहा था ना। मैंने कहा 2-3 गर्जन से इधर दे आऊँगी, दूसरी गली में जाऊंगी उधर दे आऊंगी। चलो माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह ज्यादा बच्चे नहीं है, तो घरों में तो हमने देने ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही बांट आए, बांट रहे हैं, मुझे पानी पिलाने। अच्छा हाँ जी, सारे मोहल्ले वाले, ए देखो जी बांट के आई है ते हलाल होने वाली हुई पई है। कोई बात नहीं, खैर है, चावल मुझे भी दे दे, मेहरबानी कर दी, बचे नहीं, बिल्ली खा गई, बचे नहीं, तो तुझे डंडा पाल लेना जी। बस मैं निमाणी जी बिल्ली है खा लें दो इन्हों। माशाल्लाह से जी देखें, आज भूखी और नदीदी औरत ने बड़े थोड़े से चावल लिए, मैं जितनी मेरी खुदा का मैंने उतने ही लेने हैं। पहले बहन भाई देख लो झूठ बोल रहे हैं। और ये बैठी है मेरी माँ, जिस बहन भाई ने आना है आए खाएं। देखो जी माँ मेरी पाउंदी पई है चावल, ये वंडा नाश्ते, इधर दूध उबल चुका है और इधर उबल चुका है दूध, और पकने लगी है साथ के साथ चाय। मैंने कहा चावल खाए हैं, अब ऊपर चाय तो बनती है ना, चाय बनती है, कोका कोला नहीं बनती, कोका कोला नहीं बनती, नहीं वो सब बहन भाई भी मुझसे लड़ते हैं, वो ठंडी है, लेकिन मैंने ना छोड़ दी है कोका कोला। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਭਾਈਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈਆ, ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਪੀਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ
और पहले मैं खुद गई थी, थक गई हूँ, तो मैंने अम्मा से कहा अपनी गले में ना तो ये चावल तकसीम कर। जी सर जी, बर्तन धुल रहे हैं? तो जी ये बर्तन हमारी मैडम धो रही है। खा लिया पी लिया बर्तन लगे हैं धुलने, मैंने कहा साथ के साथ इन्हें धो के रख देते हैं और फिर इंशाल्लाह चाय पियेंगे बैठ के सब बहन भाइयों को। रात का टाइम हो गया है, असल रात का टाइम हो चुका है और अब मैं धो रही हूँ ये बर्तन। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय करो और मम्मा बाय बाय और बाय 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 करो। नहीं अब खेल क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग नहीं। जी तो बहन भैया चाय हमारी बन चुकी है, चाय में लेके आ चुकी हूँ, ये है हमारी चाय। प्यारे बहन भाइयों ये थी हमारी आज की वीडियो, तो थक भी गई हूँ तो अब आपसे हम इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी और लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को। और माशाल्लाह जिन सिस्टर ने ये हिदायत करवाई है अल्लाह ताला उनकी कबूल फरमाए, सब बहन भाइयों के दुख दर्द ख़त्म कर दे और अल्लाह ताला हमारी परेशानियाँ भी ख़त्म करे, सब बहन भाइयों की परेशानियाँ ख़त्म करे, आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। प्यारे बहन भाइयों।